ये तो मैंने कहीं नहीं देखा कनाडा आके। इंडिया के ढाबे में जो वाली फीलिंग आती है ना, कैसी प्रॉपर फीलिंग आ रही है। हमारे सारे क्वालिटी फ्रेंड्स है ना, उनसे मैं है ना बहुत दिनों के बाद, सालों के बाद, महीनों के बाद मिल रहा हूँ। ये वाला व्लॉग बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है, मैं बता नहीं सकता कितना एक्साइटिंग हो सकता है। मैं क्यों नहीं बता सकता, मैं तो व्लॉगर हूँ तो बता देता हूँ। चलो तो ये व्लॉग शुरू करते हैं और देखते हैं कितना एक्साइटिंग था। तो स्वागत है आपका आज के व्लॉग में। गुड मॉर्निंग एंड इट्स अ डे टू। और कल रात को हमें रहने के लिए जगह दी थी वचन सर ने, थैंक यू सो मच। और मजा आ गई, रेस्ट मिला, कम्फर्ट था। ओनली मॉर्निंग में इतनी अच्छी लाइट आ रही है तो वीडियो तो अच्छा बनेगा। आज का वेदर भी बेस्ट है और मजा आने वाली है क्योंकि मैं मिलने जाने वाला हूँ विशाल राणा को, जिसको मैं एक ही बार मिला हूँ इससे भी, तो लाइक कल पल्लवी से मिला, आज विशाल राणा से मिल रहा हूँ। मुझे स्पेशली इन्वाइट किया था कि आना, जब भी आना मुझे मिलना है, तो डेफिनेटली आज हम जाएंगे। रात को एक इंसिडेंट की वजह से मेरा वो जो चश्मा था, जो बहुत ही ज़्यादा दिल से भी, ढंग से भी, सब तरीके से एक्सपेंसिव था, वो टूट गया। और अभी हम निकल रहे हैं ब्रैम्पटन जाने के लिए। ब्रैम्पटन में हमारा पंजाब बसा हुआ है यहाँ का, और ब्रैम्पटन में खाने पीने से लेके रहने तक की सारी देसी आइटम्स, देसी जगह है, सब कुछ है, तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ स्पेशली। रात को पल्लवी ने भी मुझे बताया था कि पंचवटी करके एक जगह है, वहाँ पर खाने जाओ सुबह, तुम्हें मजा आ जाएगी। और फिर अभी हमें हमारे वचन भाई साहब ने ही बताया, तो हम जा रहे हैं पहले पंचवटी। और यहाँ पर इंडियन रेस्टोरेंट का जो स्वाद आता है वो मैंने सुना है लाइक इंडिया की तरह ही आता है। वेदर बहुत बेस्ट है आज का। और अब जरा सा जरा छाट के अपन रेडी हो चुके हैं, आ चुके हैं हम पंचवटी में। ये मैंने अच्छा किया कि आपसे मैंने ये जैकेट ले लिया, अभी बाहर निकला ना जो हवा फील हुई, ये जैकेट आज काम आएगा नायग्रा फॉल पे स्पेशली। ओहो, ये गाना तो अपना वही बज रहा है। चोरी है ये, क्या दाबेली है, बड़ा पाव है। $1 में $3 हमारे यहाँ $1 में $1 मिलता है। खाने का मेन सेक्शन यहाँ पर है, यहाँ पर फ्रेश बनाया जाएगा ऐसे। और फेस्टिवल्स में डेकोरेशन करने के लिए ये सब, ये तो मैंने कहीं नहीं देखा कनाडा आके। मोर के पंख है ये मोर के पंख है यहाँ पर। ये दिया रखने वाला स्टैंड, मोतीचूर के लड्डू, खोया हलवा, केसरी पेड़ा, पेड़ा है, रसगुल्ला है, बेसन बर्फी, चॉकलेट बर्फी, खोया बर्फी, काजू बर्फी, ओह माय गॉड क्या क्या है। बहुत बहुत बेस्ट जगह है यहाँ पर। देखो ये अभी मिट्टी के बर्तन है, यहाँ पर तांबे का लोटा है, नाश्ते इंडियन सारे। तो पंचवटी सब जगह पे, यानी ऑन्टेरियो के सभी पर पांच जगह, ब्रैम्पटन में भी है, स्कारबरो में दो है, और दूसरा एक अपना ईटीपीकॉप में। बैकग्राउंड में गुजराती गरबा बज रहा है, वो सुन के मैं तो इतना शॉक्ड हुआ, इतना खुश हुआ, यानी मैं फीलिंग नहीं बता सकता। और गरबा लवर हूँ मैं तो। जलेबी भी थी उधर पीछे, यहाँ फाफड़ा भी है पूजा के लिए, नारियल वगैरह सब। बिल्कुल सही बात कही, अगर आप आए हो ऑन्टेरियो में और स्पेशल स्कारबरो में, तो ये पंचवटी बहुत ज़्यादा वेल नोन है, मुझे बताया गया। और ये आके तो मैं और ज़्यादा खुश हो गया ये जगह ही देख के। अमूल के श्रीखंड भी है यहाँ पे, ये सॉलिड मस्ती, ₹10 के कुरकुरे। खाखरा पे खाखरा, कितनी सारी वैरायटी है, इंडू बैन के बहुत सारे खाखरा है, सूरती खाखरा, इंडू बैन खाखरा, इधर इंडियंस है इसीलिए। में आपको जितना आपको इंडियन चीज मिलेगा ना, आपको कोई कनाडा में नहीं मिलेगा। अमूल की आइसक्रीम, अब हम कुछ खा लेते पहले, एक स्वीट भी लेने का है, स्वीट लेकर जाने का है थापर जी के लिए। इतनी लोकेशन से, हाँ, तिल पूरी, पानी पूरी, दही पूरी, समोसा, चाट, चाट पापड़ी। मैंगो लस्सी यहाँ पर सस्ती है मॉन्ट्रियल के कंपैरिजन में। मॉन्ट्रियल में हाँ $4 से $5 की मिलती थी, यहाँ सही है $2.50 में ही है। ये चीज़ देखो, ये डिसीजन लिया कि सेव उसर प्लेट, दही पूरी और पाव भाजी। ऑब्वियसली अगर इंडियन की स्टोर है तो इंडिया का फ्लैग भी होगा, बहुत ही ज़बरदस्त जगह है। पतंजलि है यहाँ पर, डेकोरेटिव चेयर। और यहाँ पर मंदिर कितने मिलती है, मंदिर 160-170 कि मेरे को आज तक इंडिया से हम तब से 5 स्टार नहीं मिली, ये रही इस जगह।
यहाँ आ चुकी है हमारी टेस्टी दिखने वाली डिलीशियस वाली दही पूरी। हाँ क्या ऐसी वाइब आ गई कि जैसे इंडिया में ही है, इंडिया की कोई स्टोर में ही है, अभी मॉन्ट्रियल में वैसा नहीं है। पाव भाजी भी रेडी हो चुकी है। सुनने में आया कि यहाँ पर चाय भी मिलती है और ये पीछे लाइन लगी हुई है वहाँ पर। चाय में दो तीन ऑप्शन है, कार्डमम एंड मसाला। हम दोनों ही पी लेते ना, चार कर देते। पागल हो गया चाय है। नहीं नहीं मुझे तो मसाला वाली, कार्डमम यानी इलायची। तो इलायची वाली तो मैं इलायची है ना। पतंजलि ने मैगी भी लॉन्च कर दिया, हम इंडिया से यहाँ क्या है, वो भी छोटा भीम वाला कैरेक्टर है इसका। तो गुजराती न्यूज़पेपर भगवान की मूर्ति है। तो यहाँ पर बाहर दिया हुआ है डाइनिंग एरिया। चाय का जो स्वाद है, मैं तो हूँ ही प्रेमी चाय का, तो मुझे तो स्वाद अच्छा ही लगे। उसके साथ साथ अप्रतिम सेव उसड़ है, मजेदार दही पूरी और क्या पाव पाव भाजी है। तो अभी हम इसे इंजॉय करते हैं और बैकग्राउंड में कव्वाली बज रही है, मजेदार है, मजा आ गई है। इंडिया के ढाबे में जो वाली फीलिंग आती है ना, ऐसी प्रॉपर फीलिंग आ रही है। ट्रिप बहुत अच्छी जा रही है, ऐसी घर जाने वाला है। मैं राणा जी के साथ नायगरा जा रहा हूँ, तो ये राणा जी का कॉन्टेक्ट नहीं दे रहा। अच्छा कस्टम एक्चुअली है क्या, वो डिटेल में आप बताओ। क्लियरेंस मिलता है तभी हमारा आता है प्रोडक्ट हमारे पास। कस्टम तो इंडिया में नहीं पता। नहीं पता क्या कस्टम कैसा होता है? तू इंडिया में भी जब जाएगा ना, दुबई फॉर एन एग्जांपल, तू इंडिया में गया, तू 10 आईफोन ले गया, ठीक है, तो वो लोग कस्टम वाले को मालूम पड़ जाएगा कि भाई शुभम जायसवाल 10 फोन लेके गया है। कस्टम वाले का एक ही काम होता है कि वो आते हैं तुमसे टैक्स लेने, क्योंकि जो भी सामान फ्लाइट में आता है ना, जो हम लोग पर्सनली लेके, जो तेको बोलूंगा भाई मिले फोन लिया, तो उसमें अपने टैक्स नहीं भरते। ओके तो यही चीज अगर तू किसी प्रॉपर वे में मंगाता है इंडिया में, तो उन लोगों को इंटरनेशनल टैक्स। बेसिकली क्या करते हैं लोग, अगर तू दुबई से 8 आईफोन ले गया, तो बाकी सात इतने आईफोन तो वापरेगा नहीं, वहाँ जाके बेचेगा तू, तो तेरे को यानी सस्ते 90,000 में खरीदा और इंडिया में जाके तू 1.5 लाख में बेचेगा, तो 50,000 का तू कमाएगा, तो बोले गवर्नमेंट चल उसमें से 20,000 हमको दे दे। ओके इसलिए वो कस्टम में माल अटकाते हैं। प्रीमियम गाड़ी इंडिया में महंगी और प्रीमियम गाड़ी कनाडा में सस्ती है, उसका रीजन ये है। Because we are paying taxes here. Government tax मांगती है, क्योंकि सीधी सी बात है ना, तेरा पैसा तो अगर बाहर की कोई कंपनी खरीद रहा है, ठीक है, तो तेरा अपने देश का पैसा कहाँ जा रहा है? That's why मोदी मेक इन इंडिया कर रहा है। यहाँ हम एंटर हो चुके हैं मिनी पंजाब और राणा जी की स्ट्रीट पे। राणा जी, राणा जी, अरे अरे क्या हाल है राणा जी, आपने तो गेटअप भी पूरा चेंज कर लिया। आपका एक ख्वाब था, आपका एक सपना था। अरे अरे थैंक यू सो मच। क्या थैंक यू सो मच, ये तो हम तो रोज मिलते रहते हैं कॉल पे, बट ये आज फर्स्ट टाइम आफ्टर वन ईयर मिले। आफ्टर वन ईयर भाई, ये हमारा सेकंड मीटअप है। हमारे सारे क्वालिटी फ्रेंड्स है ना, उनसे मैं है ना बहुत दिनों के बाद, सालों के बाद, महीनों के बाद मिल रहा हूँ। ये भी आपका है? ब्रदर का अपनी है, चीप अपनी है। अच्छा आपकी फैमिली के साथ रहता है ना? ब्रदर है मेरा। क्या सर आप भाई टूर मॉन्ट्रियल से यहाँ आना वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, फिर उसके बाद मॉर्निंग से सब सही चल रहा है। सो वी कुड अंडरस्टैंड कि अब हम पंजाब में सुल्तान फ्रेंडली है ब्रो, फ्रेंडली। सुल्तान सुल्तान शूज यहाँ उतार दे, सुल्तान नो सुल्तान कुछ नहीं। हेलो पहली बार देख रहे ना सुल्तान, गुड मेरा दोस्त भाई अब मतलब जो भी वो रूल फॉलो कर, कमांड फॉलो करता है। आप लोग खुद ही ट्रेन करते हो? ये चीज के लिए तो मैं आपको बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ। और आपने मुझे ना ये जो दिवाली की तरह जो ट्रीटमेंट दी है बेस्ट है, यानी आफ्टर 1.5 ईयर थैंकफुल टू यू। आपने जो चाय बनाई, नाश्ता करा एंड जो आपने इंडिया की तरह हमें ट्रीट किया है, never ever saw such a treatment, hospitality. You guys can come anytime. Lots of times. This is your home, brother. Whenever you want to come, just come. Bye, Sultan. Bye. No, stay. राणा जी होम टूर करवा रहे हैं और ये बैकयार्ड में ये अम्ब्रेला के अंदर ही आप बैठ के लेक्चर्स अटेंड करते थे समर में। वाह
एक्चुअली जो मैंने सुना है बेसमेंट में रहना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट यहाँ पे। तभी तो बोलते हैं ब्रैम्पटन वाले मॉन्ट्रियल में नहीं रह सकते क्योंकि खुला है। आपकी अभी गाड़ी का हमें थोड़ा इंट्रोडक्शन देना, नवी नवेली गाड़ी आई थिंक लास्ट वीक में ली, दो तीन वीक ही हुए, तो कितने में पड़ी आपको गाड़ी? ये है टोटल इंटरेस्ट रेट वगैरह सब कुछ मिला के इट्स अराउंड 38,000। और कितने साल में पे करना है? 7 years। बहुत कन्वीनियंट एंड कंफर्टेबल। 2023 है। ओके, तो क्या आप इधर नंबर प्लेट पे वो लिखवाएंगे कुछ? राणा। लिटरली जो इंटीरियर देख के जब फील आई, ओह माय गॉड, वो मैं बता दूं कि मैं राणा जी कर रहा हूँ लेकिन एक्चुअल नाम इनका विशाल है क्योंकि तब से ऋषभ, इसलिए मैं बता दूं कि नाम विशाल है, मैं राणा जी बोलता हूँ। कि हॉस्पिटलिटी ने हमें बहुत ज्यादा फायदा हो गया है। गाड़ी का जो अभी स्मार्ट और स्पोर्ट और वो जो कौन सा था फीचर, हाँ ये फीचर ने तो हमारी आंखें ब्लास्ट करती है। 7 degrees है और पैर कांप रहे थे अभी बैठ रहा था तब। वैसे ये एक और चीज है कि आज बारिश जैसा वेदर हुआ है, बट नायग्रा फॉल हम जा रहे हैं। ये डिजिटल मीटर है, इसका स्क्रीन है, डिजिटल मीटर ये एमबीसी का है। एंड वो जो बिल्डिंग देख रहे हो सिस्टर बिल्डिंग्स, वो आपने वीडियोस में भी काफी में देखा होगा, वो उधर है। मिसिसागा के जो हाईवे है वो सबसे ज्यादा चौड़े है ऐसा मैंने सुना है। मिसिसागा ब्रैम्पटन या वो डायमंड लेन का सीन ऐसा रहता है ना, लाइक बस तो जाती है बट इफ यू हैव मोर देन 3 or 4 persons इन योर कार यू कुड गो, लाइक 2 लिखा हुआ है यहाँ पर। ओके, लाइक एटलीस्ट 2 बंदे होने चाहिए। हाँ, गाड़ी में 2 बंदे होंगे तो यू कुड गो ऑन दिस लाइन, क्योंकि इस लेन पे बहुत बार ट्रैफिक होती है और ट्रैफिक में अगर सिंगल पर्सन है तो वो नहीं इधर आ सकते। ये डायमंड लेन है, जीवन होता है एक रिटन एग्जाम होता है, उसमें रूल्स होते हैं, 40 questions समथिंग होते हैं, वो आपको पहले क्लियर करना पड़ता है, वो होता है जीवन। मॉन्ट्रियल का मैंने अपने फ्रेंड्स को प्रिपेयर कराया था, वो बहुत डिफिकल्ट होता है। G2 होता है जो एक उसपे आप हाईवे पे इनिशियल डेज पे गाड़ी नहीं चला सकते, हाईवे पे नहीं चला सकते, और उसकी एग्जाम भी इनसाइड द सिटी। और जी होता है आप हाईवे पे गाड़ी चला सकते हैं। अच्छा, वो होता है एटलीस्ट आपको बस G2 का 1 year का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके बाद आप दे सकते बाद आप ले सकते हो। हॉरिजॉन का वो जो पूरा डिफरेंस है ना, कितना क्लियर एटमॉस्फेयर है, वेदर है और विजिबिलिटी जोन है इधर कि हमें क्लियर दिख रहा है। ये लेन असिस्ट है आपके में स्टार्ट हो गया है, ये चीज अब लेन ऑटोमेटिकली असिस्ट करेगा, गाड़ी हम टच नहीं करेंगे लेकिन ऑटोमेटिकली गाड़ी लेन पे ही रहेगी। एक चीज पता है क्या है कि अगर आप कनाडा आ रहे हो और किसी के एक्सपेक्टेशन भरोसे पे आ रहे हो ना, तो वो है ना आपको हमेशा एक आपको वो 100% नहीं मिलेगा, तो उसमें तो आगे मत। धीमे धीमे बारिश गिरना चालू हो गई है, मुंबई का जुहू बीच आ गया है। पर्थ है लोकेशन और वो गांव जैसी जगह में भी, यानी गुजराती इसके कुछ स्टोर थे उससे बताया है वो जो वर्क कर रही थी कि है ना ये 4-5 गुजराती ऑनर ही है, कुछ नहीं है आसपास, सिर्फ रास्ता ही रास्ता है। बट मॉन्ट्रियल इतना छोटा है कि एग्जिट लेके हमें काम होता है, निकल ही जाते हैं, कभी इतना कंसिस्टेंटली ड्राइव ही नहीं किया है। मॉन्ट्रियल इतने में तो खत्म हो जाता है, आधा हम जितना है उतने में ही आधा खत्म हो जाता है, 10 kilometers में एक साइड दूसरा साइड आ जाता है। ओके, सो ये हैमिल्टन का है क्लोब, हैमिल्टन यहाँ आ गया। तो अभी हमने यहाँ देखा कि एग्जिट्स के पास वहाँ पर आपको पुलिस छुपके से कोने में मिलेगी और वो गन लेकर बैठती है आपकी स्पीडोमीटर वाली, और आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपकी स्पीड मेजर हो गई, पुलिस वाला कोई सिंबल नहीं है। हमारा मॉन्ट्रियल में डॉज है, यानी वो पुलिस अंडरकवर कॉप्स बहुत है ब्रैम्पटन जीटीए एरिया में, प्रॉपर बहुत ब्रैम्पटन एरिया टोरंटो एवरीथिंग इज इन अंडर जीटी, जीटीए में आता है। राइड वाले ने बताया था कि ओपीपी, तो हमने पूछा क्या होता है फुल फॉर्म, तो ऑन्टारियो प्रोविंस पुलिस, हाँ यहाँ पुलिस नहीं बोलते, ओपीपी है। ये रेड लाइट जलने लगती है अगर बाजू में से कोई गाड़ी जा रही है। एरिया में वाइन्स काफी फेमस है, अपने गोरे लोग हैं वो वाइन बनाते हैं। ऑन द वे बहुत सारे नायग्रा के पहले वाइन फार्म्स मिलेंगे हमें, मशीनरी सेट होगी, फार्म्स होगी, फैक्ट्रीज होगी। एक ये भी बहुत अच्छा फीचर है, अगर लेन है तो आप क्रूज मोड पे रख के चले जाओ, हाईवे पे आपकी स्पीड एक मेंटेन रहेगी, तो जैसे बताया था पुलिस ऐसे छुपी रहती है इधर। एक ये पॉइंट भी है कि नायग्रा के आसपास के जो घर है ना वो देख के तू जो चौकेगा, यानी खुशी मिलेगी, जैसे यहाँ ब्रैम्पटन में बेस्ट है अपने मॉन्ट्रियल के कंपैरिजन में, तू जब देखेगा तो वो अल्टीमेटली तुझे अलग ही खुशी देगी। मैं आ गया हूँ, पहले व्लॉग तब नहीं बनाया था, अगर बोलने का है तो नहीं, बता नहीं, आपको आपको जब जो बोलना आप बोल देना, एडिटिंग में सब हो जाता है। ये लिखा हुआ है कि यहाँ पर वाइनरी स्टार्ट हो गए, वाइन फार्म्स आगे हैं, पक्की बात है, यही है।
यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि स्पीड ज्यादा होगी तो 10,000 का फाइन आएगा। 10,000 की गाड़ी होती नहीं है कई लोगों की, उनको उतने का फाइन आ जाएगा। हाँ, नायग्रा फॉल का आउटलेट है, वाह अमेजिंग जगह है ये। आउटलेट को देख के कुछ ऐसे पैसों की खनक होती है और फिर है ना जाने की इच्छा होती है, लेकिन थोड़ा भी बजट पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ये चीज है कि हर एक सिटी के बाहर एक पॉपुलेशन अमाउंट लिखी रहती है, अकॉर्डिंग टू रिसर्च सही होती है, एक्यूरेट होती है, लाइक डेवलप्ड यूनिकनेस जो कह लो है, अच्छा लगा। अमेरिका में भी ऐसा है कि मोटेल बोलते हैं, घर होता है उसको मोटेल बोलते हैं, या फिर मोटेल यू कैन स्टे लाइक काइंड ऑफ एयरबीएनबी। ओके, धीमे धीमे यहाँ पर होटल्स प्लस मोटल्स प्लस कैसीनो स्टार्ट हो रहे हैं। ऐसी जगह पे रहते हो तो आपको नायग्रा फॉल का जो व्यू आएगा अमेजिंग सुपर फैंटास्टिक, यानी क्या ही वर्ड बोलूं, नायग्रा फॉल हेवन है, हेवन ऑन द अर्थ। मैनी ऑफ द पीपल इन इंडिया वो ऐसा मुझे पूछते भी रहते हैं एंड बताते भी रहते हैं, इसीलिए आज मैं स्पेशली नायग्रा फॉल का वीडियो ही बना पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक्साइटमेंट थी उसकी। ये रहा रिवॉल्विंग डाइनिंग रूम। अच्छा, ये मैं पता है इंडिया में था तो एक व्लॉग में किसी के गोरे के व्लॉग में देखा था कि ऐसा कुछ है, मैं सोच रहा था ये क्यूबेक में बटन होटल है ना अपने अहमदाबाद में, वैसे ही है ये। तो ये लिखा हुआ है ब्रिज टू यूएस डाउनटाउन, और वीजा हो तो फिर निकल जाने का। अभी ऐसा हो रहा है यानी टाइम कम टाइम में यूएस का वीजा मिल रहा है फिर अप्लाइंग फ्रॉम कनाडा। ये रहा हॉरर हाउस और यहाँ पर है कैसीनो। यहाँ से नायग्रा फॉल्स दिखना शुरू हो गया है और धीमे धीमे वो हमारी एक्साइटमेंट बढ़ गई है। तो पार्किंग का ऐसा $10 में एक घंटे की पार्किंग मिली, इसकी वजह से बहुत ही अच्छा कंप्लीट आपने पार्क कर दिया। नाउ यू आर पास्ड इन योर एग्जाम। इस घड़ी का इंतजार था हमें, एक्साइटमेंट 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 कंट्रोल कंट्रोल। अगर ये आप देखना चाहो तो ये नेचर का एक बहुत ही बेस्ट टुकड़ा है, जिसे आंखों से कैप्चर करना तो बहुत मेमोरेबल रहेगा। शुभम भाई बड़ा ही संतोषी जीवड़ा हूँ, संतोषी जीवड़ो। मेरी एक अखबार में फोटो लगेगी, यू मेरी क्यों नहीं, डिग्री नहीं है ना तेरे पास, आई लाइक क्यों नहीं होता, क्यों लगेगी तेरी छोटी लगेगी, क्यों डिग्री नहीं है ना तेरे पास।